तो है एवरीवन, तो भाई साहब बहुत ख़तरनाक वाला शो बनने वाला है और यहाँ पर जो है ना 3D पिक्चर्स में LED लाइट के साथ जो है ना आपको कृष्ण जी की पूरी कहानी सुनाई जाएगी, तो मैं वो दिखाने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को मिस मत करना और बहुत अच्छे से देखना, ठीक है ना। तो भाई एंट्री यहाँ से और वो भी नहीं जाने वाला हूँ। ये है शो की इमेज, मेरी अलग है। इतनी चेकिंग होती है यहाँ पर, बाहर से तो गेट लगा रखा है। यहाँ से आप कृष्ण जी के कुछ सामान हैं जो आप परचेज कर सकते हो उनको, और यहाँ पर हैं भगवत गीता से रिलेटिव सारी चीज़ें जो आपको परचेज करनी पड़ेंगी अलग अलग, ठीक है ना। तो भाई चलते हैं, आधे घंटे के शो होने वाला है, उसको दिखाते हैं आपको पूरा। सूर्य देवता ने मानव जाति के पिता मन को वो शिक्षा दी। मन ने अपने पुत्र को प्रशिक्षित किया और इस तरह ये ज्ञान समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहा। लेकिन समय के प्रभाव के कारण किसी बिंदु के बाद ये ज्ञान मानव जाति के दिमाग से प्राय लुप्त सा हो गया। तब एक बार फिर 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन से इस विज्ञान की व्याख्या की। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को बड़ी कुशलता के साथ चलाया था। वे प्राचीन इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध की पराकाष्ठा के समय दोनों सेनाओं के बीच में रुक जाते हैं। सामने बड़ी संख्या में अपने मित्र गुरु और परिवारजनों को देखकर अर्जुन उनके विरुद्ध युद्ध करने से हिचकिचाने लगते हैं। उनके प्रति अर्जुन का मोह उमड़ने लगता है और वे आत्मग्लानि से भर कर कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे अपने ही प्रियजनों को मारकर कौन सी खुशी मिलेगी। अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के कई उच्च विचार वाले और नैतिक कारण लिए, फिर दुख और अनिश्चितता में आकर अपने शस्त्र डाल दिए। कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पूर्णतः व्याकुल हो गया, इसलिए कृपया मुझे निर्देश दें और मेरे हृदय से इस दुख की पीड़ा को हटाएं और मुझे मेरा कर्तव्य बताए। कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु होने की भूमिका को स्वीकार करते हैं और अर्जुन को आत्मा की प्रवृत्ति की शिक्षा देते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया है? हालांकि तुम एक शिक्षित व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो, परंतु फिर भी तुम उस बात के लिए दुखी हो रहे हो जो दुख करने योग्य है ही नहीं। आत्मा अमर है, तुम आत्मा को नहीं मार सकते। आत्मा एक शरीर में तब तक रहती है जब तक उसकी आयु है। आयु पूरी हो जाने पर आत्मा उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। सुख या दुख की चिंता मत करो, पूरी भक्ति भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करो
विजय या पराजय की चिंता किए बिना युद्ध करो। इस अद्भुत वार्तालाप को भगवत गीता के रूप में जाना जाता है और इसका विषय आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 वर्ष पूर्व के दैनिक जीवन के दुखों को दूर करने में तथा पीड़ादायक कर्तव्यों का पालन करने में था। इसमें एकमात्र आवश्यकता है एक नम और खुले विचारों वाले दिमाग की।
तीन शक्तिशाली ऊर्जाओं के अधीन है। जब आत्मा इस वातावरण में गिरती है तो उसे अपने वास्तविक स्वभाव के विरुद्ध कार्य करने पड़ते हैं और उसे असीमित भय, व्याकुलता और कष्ट झेलने पड़ते हैं। पहली शक्ति सत्व गुण है। इससे प्रभावित व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता और शांत संगीत का प्रेमी होता है। वे धीर गंभीर होते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि शरीर अनित्य है और आत्मा अमर है। इसी तरह वे दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं और शांति व खुशी से रहते हैं। दूसरी शक्ति है रजोगुण। इससे प्रभावित व्यक्ति बहुत उद्यमी होते हैं। ये सदैव अपनी आर्थिक स्थिति और शारीरिक सजावट बनावट को बेहतर करने में व्यस्त रहते हैं। इनकी इच्छाएं असीमित होती है। ये मसालेदार भोजन पसंद करते हैं और ऐसे पेय पदार्थ के शौकीन होते हैं जो तंत्रिक तंत्रों को उत्तेजित करते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य समस्त विषय सुखों का अधिक से अधिक समय तक भरपूर आनंद लेना है। तीसरी शक्ति तमोगुण है, जो गंदे स्थानों पर मिलती है। इससे प्रभावित व्यक्ति मांस, मछली, अंडे तथा अन्य बेसवाद भोजन खाते हैं। इनका झुकाव अकारण हिंसा, धोखा और रिश्वतखोरी की तरफ होता है और ये शराब, धूम्रपान और नशे के आदि होते हैं। ये बहुत सोते हैं और मृत वस्तुओं की पूजा करते हैं। इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य शरीर और इंद्रियों को आसानी से संतुष्ट करना है। अध्ययन ज्ञान योग की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान योगी को
इसका ज्ञान होता है कि जीवन का परम लक्ष्य परमेश्वर है, परंतु सत्य को ढूंढने की अपेक्षा उसे उसके दर्शन में अधिक आनंद मिलता है। हठ योग दूसरा स्तर है। इसका मुख्य लक्ष्य आसन और सांस की कसरत के माध्यम से मन को बांधकर ध्यान को बढ़ाना है। सच्चा गहन योगी स्थिर मन से अपने हृदय की गहराई से परमात्मा का ध्यान करता है। इस तरह वो प्राण वायु को सिर के ऊपरी भाग में लाने में सफल होता है और तब वो किसी भौतिक या आध्यात्मिक लोक में अपनी इच्छा अनुसार जा सकता है। गहन योगी कई वर्षों तक लगातार एकांत स्थान पर बैठकर योग करते हैं। ऐसा करते समय उनका शरीर, गला और सिर सीधा होता है। वे बाहरी विषयों को बाहर ही रखता है, अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में केंद्रित करता है। तब वो अपनी बाहर से अंदर आने वाली सांसों का संतुलन बनाते हुए मन पर नियंत्रण रखता है। इस तरह श्वास क्रिया को पूरी तरह रोककर हृदय की गहराई से परमात्मा का ध्यान करना ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य है। अर्जुन की प्रतिक्रिया ये थी कि इस प्रकार की योग क्रिया से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा हाथों से हवा को रोकना अधिक सरल है। आजकल आरोग्य शालाओं में योग के कई आसान तरीके बताए जाते हैं। जो तरीके वे बताते हैं वो वजन कम करने के लिए तो उपयोगी हैं, परंतु सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए पुरुष और आपका
अपने संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर अपना अनंत प्रकाश फैला रहे हैं। देवाधिदेव, कृपया मुझे बताएं कि इस उग्र रूप में आप कौन हैं? कृपया मुझ पर दया करें, मैं आपका उद्देश्य जानना चाहता हूं। इस संसार का संहारक तुम और तुम्हारे चार भाइयों के अतिरिक्त इस युद्ध भूमि के दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। मेरी व्यवस्था से ये पहले ही हो चुका है और अर्जुन, तुम इस युद्ध में बस एक निमित्र मात्र हो। हे अनंत शक्तिशाली, आप इस संपूर्ण जगत के पिता हैं। आपसे बढ़कर या आपके समान कोई नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने आपका ये रूप देखा है, लेकिन इससे मैं भयभीत थी कि आप फिर से अपने मूल रूप में प्रकट हो जाए। शांत मन से मेरी दो भुजाओं वाले मूल रूप को देखो। संसार में नहीं लौटता, उसे मेरे नित्य धाम गौलोक में पहुंचा दिया जाता है। उसकी सहायता करने का वचन देते हैं जो इस प्रेम को पाने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं। वे आत्माएं जो भक्ति योग का पालन करती हैं, धीरे धीरे अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर अंततः राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाती हैं।
शेयर करना क्योंकि बहुत ही इसका ना।